कांग्रेस की इस हार में असल गुनहगार कौन है? क्या चीज गुनहगार? कांग्रेस ही है कि अपने वोट की रखवाली नहीं किए। तो लूट मार हो गया है। हाँ, लूट मार हुआ है। तब राहुल गांधी को गुनहगार ठहरा रहे हैं। हाँ, गुनहगार कांग्रेसी, हर एक कांग्रेसी है। हाँ, क्योंकि वो अपने वोट डलवाए तो वोट की रखवाली भी तो करना उनका काम है। हाँ, वोट डलवा करके चले गए दूसरे जगह। राहुल गांधी की गलती थोड़ी है। हाँ, उनको कार्यकर्ताओं का, जिसका जो कैंडिडेट है उसको तो अपनी पेटियों की रखवाली रखनी चाहिए कि जब तक गिनती न हो तब तक हम इसको छोड़ू नहीं है। लेकिन ये जाके घर में सोने लगे और उधर चोरों ने कर दिया साहब। चोर कौन है? हाँ, कौन है चोर? भाजपा वाले झूठे हैं, चोर है, लुटेरे हैं। हाँ, खाली प्रचार प्रसार से जीतना चाहते हैं। हाँ, जनता तो त्राही त्राही कर रही है, कह रहे हैं कि इतने को हमने 13.5 लाख गरीबों को हमने ऊंचे पर बढ़ा दिया। तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी 24 में होगी। हाँ, अरे ट्रेलर ये जब कांग्रेसी ऐसे ही सोए रहेंगे तो हो जाएगा। हाँ, जब यदि जाग जाएंगे तो नहीं होने देंगे। तो जिस तरीके से इतनी लंबी लंबी रैलियां निकाली। हाँ, इतने बड़े बड़े भाषण दिए। अरे तो ठीक है, हम 50 हैं, तो जब हमारा वोट यहाँ पड़ गया तो 4 को 5 को वहाँ छोड़ देंगे, पेटियां संभाल के रखो। हाँ, बाकी हम जा रहे हैं आगे लड़ाई करने। भरे पड़े लग रहे हो। हाँ, अरे मैंने वह क्या करा, ये योगी सरकार जहिया से आई है तब से अब कार्यालयों का टक्कर लगाते लगाते थक गया। पता नहीं कितने बार इनके मुख्यमंत्री ये क्या कहते हैं, जनता दरबार चला रहे हैं। जनता दरबार में कागज जाओ पता नहीं कहाँ कूड़ेदान में जाता है। प्रचार तंत्र में आप गए थे? हाँ, प्रचार करने। प्रचार करने को हमको कोई ले जाए तो हमको तो यहाँ तक गेट पे से अंदर नहीं आने देते। हाँ, अरे वही वही सब जो वहाँ गेट पे है एंट्री करने वाले। किसमें उतार कांग्रेस में? कांग्रेस में उतार रहा हूँ कि इन्होंने वोट डलवाए लेकिन वोट की रखवाली नहीं किए। तो जनता ने वोट नहीं दिया ना कांग्रेस? और जनता ने दिया है वोट। हाँ, बेमानों ने खा गए हैं, पेटियां बदल की। हाँ, अरे ईमानदार सर। अरे हम बता रहा हूँ भाई, यही हाल यूपी में हुआ। हाँ, एक महीना पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा वोट। हाँ, जहाँ के हर एक किसान भाजपा के विद्रोह में था। हाँ, वहाँ से ये जीत गए और उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ आ नहीं पाए बॉर्डर पे और वहाँ से हार गए। कैसे हारे? क्यों? कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले अपनी पेटियों को पकड़ के रखे थे। हाँ, जब गिनती हो गया तभी छोड़े। हाँ, तो वहाँ से गाजीपुर में कई सीट पाई है भाजपा, आजमगढ़ में कितनी पाई है, बालिया में कितनी पाई है, बनारस मोदी का कहते हैं कि जन्मभूमि है। हाँ, और वहाँ से कितनी पाए है? लास्ट फेज में हुआ था ना, लास्ट फेज में तो वही नहीं कर पाए, हेरा फेरी नहीं कर पाए, इसलिए जीत पाए। ऐसा नहीं, अशोक गहलोत ने काफी मेहनत करी। अरे गहलोत ने कोई नहीं मेहनत करी, जनता देखती है कि क्या हमको मिल रहा है। 300 रुपया में सिलेंडर बांट करके 1000 रुपया का कर दिए है, GST लगा करके सब जनता के ऊपर टैक्स जनता दे, जो ज्यादा कमाता था वो टैक्स देता था ना। 450 रुपए में देंगे वो सिलेंडर राजस्थान में वादा कर। अरे राजस्थान में वादा कर गए ना। हाँ, वादा तो क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ, वादा करके के तो वादे तो मुकर जाते हैं। कमलनाथ ने भी तो मेहनत करी है काफी। हाँ, सबने मेहनत किया है, कुछ ने नहीं मेहनत किया। राहुल गांधी ने मेहनत नहीं किया, प्रियंका ने मेहनत नहीं किया। हाँ, लेकिन लुटेरों ने बदल लिया। लुटेरा किसे बोल रहे हैं? भाजपा वाले। भाजपा वाले झूठे हैं, लुटेरे हैं, हेरा फेरी वाले हैं, खाली झूठे प्रचार करने वाले हैं। नहीं तो हम कह रहा हूँ कि तुम मीडिया हो, हम सभी मीडिया वालों को निमंत्रण दे रहा हूँ कि आज चलो हमारे गाजीपुर में 10% गांव में पानी दिखा दो। 10% में हार कबूल कर लीजिए अब। देखो जी, झूठे मत। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। हाँ, हार किस बात का कबूल कर ले? जनता जब हमारे साथ थी। तीन राज्य हारे हैं। कोई नहीं हरा है, हराया गया है। हराया गया। हाँ, वहाँ का शासन प्रशासन हरवाया है। हार नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कि जलवा कायम है मोदी का, इसलिए। अरे जलवा कायम है, चोरी बेईमानी से जलवा कायम है। हाँ, जनता ने नहीं कायम किया है। नहीं तो बता दो कि जिसकी थाली 20 रुपये में पड़ती थी गांव में, आज 70 रुपया में पड़ रही है, वो खुश रहेगा कि नाराज रहेगा? बता दो। हाँ, 200 रुपया किलो दाल, 200 रुपया किलो तेल, हर एक चीज तो उतना बढ़ रहा है। आज की मैं बात बता रहा हूँ मेरे भाई बहनों कि ये जो सरसों बीज वाली है 1200, 1800, 600, 400 रुपया किलो है, वही किसानों वाला ही तो बीज है। उसको सफाई कर करके मान लो मोटे ही दाना बेच ले जाके बेच रहे हैं। कौन सा सोना है और शिलाजीत मिला करके सरसों के बीज 1200 रुपया किलो हो गया। गेहूँ 70 रुपया 60 रुपया किलो,
बीज में जो मिल रहा है किसानों को, हाँ ये सरकार क्या उनपे नहीं पाबंद लगा सकती? मानिए ना, मोदी जी का जादू के आगे कोई टिक नहीं पाए। अरे मोदी जी के जादू के आगे नहीं, मोदी जी के चोरी के आगे। अच्छा। हाँ कोई टिक नहीं पाया। अमित शाह की चोरी के आगे कोई जीत नहीं पाया। गलती कार्यकर्ता की हुई ना फिर, कार्यकर्ता की। हाँ कांग्रेसियों की यही है कि कांग्रेसी वोट डलवाए, मांगे वो जनता ने दिया, लेकिन ये डलवा करके सूत गए और उसकी रखवाली नहीं की, रखवाली नहीं कर पाए। हाँ ये राहुल गांधी पनौती है, इसके लिए हार गए। नहीं पनौती पनौती कुछ नहीं, ये तो कहने वाले तुम कहते रहो कुछ भी। मतलब उनका हाँ। चौकीदारी जो है अच्छी रही, चौकीदारी चौकीदारी जो आगे जो कैंडिडेट था जिसने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था, उसका फर्ज था कि अपनी फौज लेकर के उस पेटियों की हम रखवाली करूं। अच्छा। जैसे हमारे गाजीपुर में अफजाल ले कराए थे, सुरक्षा कर्मी वो करेंगे रखवाली ना। हाँ तो जो हाँ पेटी रखी है उस गेट की हम रखवाली करेंगे भाई, सुरक्षा कर्मी बगर रहो हम दूर से। अफजाल अंसारी ने करवाई थी अच्छी रखवाली। हाँ साथ के साथ सीटे जेल से बुलाया जाए फिर उसे रखवाली करवाने के लिए। अब जेल में भाई वही कारण से तो उसको कर रखे हैं अंदर, रखवाली करवाने के लिए उस नहीं कि ये जब तक गाजीपुर में रहेगा तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। अच्छा। हाँ नहीं तो मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री थे, रेलवे का काम कराए। कांग्रेस को क्या करना चाहिए 24 के लिए तैयारी की? 24 के लिए गाँव गाँव घूमे, पहले चल के यूपी का ही घूमे क्योंकि 80 सीटें यूपी की है। अभी भी तो घूम रहे हैं गांव गांव, नहीं घूम रहे हैं झूठे कहते हैं। हाँ गांव में घूमे कि कहाँ इन्होंने पानी दे रखा है, किस किसान को किसान निधि मिल रही है, किस महिला को सिलेंडर मिला है, हाँ? और किस गरीब को कन्याओं को कन्यादान मिल रहा है ये देखे। राहुल गांधी तो अब कुली भी बनते हैं, सावन में मीट भी खाते हैं। अरे कहने को कुछ भी कहे, कोई किसी का मुंह चेक रखे हो हाँ? तुमने मुर्गे में जो इलेक्ट्रिक मीडिया है मोदी मोदी चिल्ला रही है हाँ? तो हम उनका हाथ पैर काट ले रहे हैं, चिल्ला रही है चिल्लाने दो, लेकिन दुनिया हकीकत देखती है कि अच्छाई क्या है।